एम क्यू एम, देखिए मैं हमेशा समझता था कि जो एम क्यू एम का जो नजरिया है, जो आप बातें करते थे, वो तरीके इंसाफ से मिलती थी। हमेशा जब से मैंने पार्टी शुरू किया, मैंने कहा भी हुआ है, पहले भी कहा हुआ है, जब मेरे इख्तलाफात भी थे तो मैं ये कहता था, हमारा तो सिर्फ मसला एक ही था, हमारा मसला था मिलिटेंसी, जो हम समझते थे कि वो गलत है। और मैं ये कह दूं कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी और हमारी कैबिनेट बनी, तो दो वजीर फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं तो नहीं दोनों को जानता था, तो हमें खौफ था, हमें क्या पता नहीं ये वो जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई हमारी कोई बात मानी ना गई तो शायद बंदूक ही ना निकल जाए कैबिनेट पे, हम ये डरे हुए थे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन दो से ज्यादा गए। काबिलियत में भी, काबिलियत में फरूख नसीम हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो इन यानी सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं ओपिनियन की। और जो जिस तरह खालिद मकबूल ने कंडक्ट किया अपने आप को हमारी कैबिनेट के अंदर, तो मैं खास तौर पे आज आप दोनों को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे लड़ेंगे आप।